हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज जो विषय में आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ वह है धन्य कौन है। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमें धन्य बनने की आवश्यकता है। जब तक हम धन्य नहीं बनेंगे तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए मुझे विश्वास है कि आज के वचन आपके जीवन के लिए आशीष के कारण बनेगा। इस समय हम देखेंगे लुकर के सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 27 और 28 वचन को। वचन में इस प्रकार लिखा है, जब वहां ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वह स्थान जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन सुनते हैं और मानते हैं। प्रियो, जिस प्रकार वचन में हमने सुना कि जब यीशु उस भीड़ को शिक्षा दे रहे थे, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार कर रहे थे, तो उस भीड़ में से एक स्त्री खड़ी हो जाती है और यीशु को कहती है, ओ माता, जिसके गर्भ में यीशु रहा और जिसका स्तन उसने चूसे, ओ माता, कैसे है धन्य है। परंतु यीशु ने उसे उत्तर दिया कि वो तो सही बात है, परंतु जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं तो उससे भी बड़ा धन्य है। प्रियो, आज अगर हमें धन्य बनना है, प्रभु के वचन में आगे बढ़ना है, स्वर्ग राज्य में हमें जाना है, तो हमें धन्य बनने का बहुत ही आवश्यकता है। जब तक हम धन्य नहीं बनेंगे तब तक परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परंतु वचन कहता है कि हमें ये परमेश्वर के वचन को सुनना है और उसके अनुसार हमें चलना है। जो भी वचन हम सुनते हैं उसे हमें अनुकरण करना है, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, और जब तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तब तक हम स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते। प्रियो, हम चर्च तो जाते हैं, आराधना में बैठते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, तो क्या जितना भी परमेश्वर के वचन हमारे जीवन से बात करता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन से बात करता है, क्या उसके अनुसार हम चल पाते हैं? ना कि आज तक हम सांसारिक बातों में लगे हुए हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। वचन बताता है कि हमारे जीवन के बुरे आदतों को हमें छोड़ना है और वचन को सुनना है और वचन के अनुसार हमें हमारे जीवन को व्यतीत करना है, आगे बढ़ाना है, प्रार्थना करना है, आराधना करना है। हमारे जीवन में यही सबसे बड़ा कमजोरी है कि हम वचन तो सुनते हैं परंतु उसके अनुसार चल नहीं पाते। परंतु यीशु कहता है, धन्य वो है, वो भाई है, वो बहन है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। प्रियो, आज आपको मुझे और संसार के जितने भी मसीह लोग हैं, हमें वचन को सुनना है और उसके अनुसार हमें चलना भी है, क्योंकि सिर्फ वचन को सुनने से हमें उद्धार नहीं हो सकता है, हम स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते हैं। हमें धन्य होने के लिए हमें वचन पर हमें चलना की आवश्यकता है। वचन हमारे जीवन में कार्य करने के लिए देना है। इस प्रकार अगर हम करेंगे तो अवश्य परमेश्वर हमें उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करवाएगा जिसके लिए हम आशा कर रहे हैं, जिसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं, जिसके लिए हम मसीह बने हैं। हालेलुया, मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य किया और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।